अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अमर हाशमी व्लॉग्स। और हम पहुंच चुके हैं इंडिया और पाकिस्तान के ज़ीरो लाइन वाले बॉर्डर पे। तो ये जी फाजिलका और हैड सुलेमान की जो चौकी है ये आमने सामने बनी हुई है। तो इधर हम पहुंच चुके हैं, आपको दिखाते हैं आज के सीन्स। हम इस वक्त हैड सुलेमान की जो हमारी चौकी है टावर है, उसके हम टावर के अंदर मौजूद हैं। तो हम आपको ये दिखा रहे हैं कि जो हमारे पाकिस्तान के हीरो हैं जिन्होंने 1965 और 1971 में जंग के दौरान जामे शहादत नौश किया, ये हमारे वो बहादुर सपूत और हमारे बहादुर जवान हैं, जो इनकी तस्वीर जो हमेशा हमारे दिलों में रहेगी और टावर के अंदर लगी हुई है। और इसके साथ साथ मैं आपको पता चलूँ कि जो 1971 की जंग थी उसमें जो हमारे मनाजर थे जंग के, वो भी यहाँ पे दीवार पर अवेजा है। जी तो हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, यहाँ पर अभी कोई बंदा नहीं मौजूद, तो थोड़ी देर में परेड शुरू होने वाली है। तो तब तक के लिए हम वेट करते हैं और घूमते फिरते हैं, आपको दिखाते हैं बाद में। जी नाज़रीन, तो आप देख सकते हैं ये 1965 में जो वार हुई थी, तो इसमें हमारे जो फौजियों ने मुकाबला किया था, ये उनकी पिक्चर्स हैं। जी तो आपको ऊपर वाला जो पोर्शन है वो दिखा रहे हैं, तो उधर भी मॉन्यूमेंट जो भी हैं पुरानी वो दिखाई गई हैं। ये चेक करें, नेशनल बिल्डिंग जो है हमारे पाकिस्तान की, ये रिलीफ मिशन जो होते हैं जब सैलाब वगैरह आ जाए, जलजला आ जाए, तो हमारे जो है ना आर्मी वाले हजरात वो कोऑपरेट करते हैं आवाम के। ये भी जंग की जो है ना पिक्चर्स हैं जो टेररिस्ट उन्होंने गिरफ्तार किए थे, चेक करें। ये स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स हैं हमारी, यहाँ पे खान साहब की तस्वीर लगी हुई है और मुझे बड़ी खुशी हुई है देख के, शहजादा दिल जीत लिया जी। देखें पाकिस्तान की गैलरी है ये, और हिस्टोरिकल प्लेस लाहौर वाली, और फातिमा जना कायदे आज़म लियाकत अली खान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि हम पहुंच चुके हैं अपने टावर पे। ये चेक करें, ये फाजिल का जो है इधर से है जनाब 17 किलोमीटर दूर, बेरी वाला 400 मीटर, सादिका चाना वाला, जावेद स्क्रीन, टिप पोस्ट, ठीक है ये आपको दिखा रहे हैं। और ये जो इंडिया के बंदर बैठे हुए हैं चेक करें आप, इंडिया का ना सारा ताई है लाग। आपको दिखा रहे हैं जी, ये हाईएस्ट बिल्डिंग है पाकिस्तान की तरफ से, तो ये इंडिया की चेक पोस्ट है। और काफ़ी जो है इधर शोर होता है तकरीबन 4 बजे के करीब, तो आज हम बहुत मुश्किल से यहाँ पर पहुँचे हैं, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। और आपको दिखा रहे हैं आज के सीन जो है, हमारी टीम पूरी पहुंची हुई है, ये पाकिस्तान का झंडा माशाल्लाह लहरा रहा है, और महमूद पोस्ट के हम करीब खड़े हुए हैं इस टाइम, चेक करें। ये जी है टावर के ऊपर वाला हिस्सा, तो हम टावर के ऊपर खड़े हुए हैं, ये है इंडिया का हिस्सा,
और ये हमारे जो साथ में जहाँ पर हमारा टावर है ये पाकिस्तान का हिस्सा है, और यहाँ पर फ़ौजी आ रहे हैं जनाब अपने निगरानी करके। इंडिया के ये फ़ौजी हैं और ये इंडिया की ये चौकी है, और ये वाला जो बुर्ज बना हुआ है ये भी इंडिया की तरफ आता है। तो ये फाजिलका की तरफ से ये बॉर्डर बनाया गया उनकी तरफ से। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं राना मोहम्मद या फरूकी, सदर प्रेस क्लब बोंगा या डिस्ट्रिक्ट पाकपतन, और मेरी टीम के चेयरमैन प्रेस क्लब राव मुबारक साहब, अब्दुल हमीद साहब, असलम तायन साहब, और जो हमारे कैमरा मैन हैं आमर फरीदी साहब, वो आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हम इंडिया के बॉर्डर पे जो हमारा टावर है वहाँ पर खड़े हैं, और ये हमारा मुतालियाती दौरा है। हम अपनी पूरी टीम को ये दिखाने के लिए लाए हैं कि ये पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर है, ये हमारे हेड सुलेमान की चौकी का टावर है, और दूसरी तरफ जो है इंडिया की सादकिया चौकी है। तो इस वक्त हम बिल्कुल जीरो लाइन पे खड़े हैं, मेरा कैमरामैन आपको ये दिखा सकता है, तो मेरी टीम भी सारी साथ है। ये जो सामने जो बॉर्डर नज़र आ रहा है ये इंडिया की चौकी है, और तमाम जो एरिया वो इंडिया का है। तो हम आपको ये दिखा रहे हैं कि हम यहाँ पे मुतालियाती दौरे के लिए आए हैं, कवरेज करने के लिए आए हैं, और हमारी टीम अल्हम्दुलिल्लाह सारी साथ है, और हम अपनी टीम को और आपको हम अवेयरनेस दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।
शहजादा
इसी के साथ अल्लाह फेस। तो जी नाजरीन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।